से जन जन तक सच्चाई पहुंचाई गई। रामायण में माता सीता जी की भी जब धोबी द्वारा निंदा की गई, तब लव कुश जी ने भी नगरवासियों में गा गा कर उनका सुप्रचार किया था। इसी प्रकार संत श्री आशाराम जी बापू के सुप्रचार के लिए कुछ साधक पत्रिका लेकर बाजार में जाते हैं। एक एक दुकान में जाकर वे बापू जी की सच्चाई बताते हैं। तो ये प्रस्तुत है ये नाटिका, आप देखिए। क्या है इसमें? भैया इसमें बापू जी के केस की पूरी सच्चाई है। ये सब तो हम मीडिया में देख चुके हैं। क्या देख चुके हो आप मीडिया में? पिछले 2 सालों से मीडिया बापू जी के विरोध में इतना कुछ दिखा रहा है, लेकिन क्या उस मीडिया ने कभी बापू जी द्वारा किए गए 50 साल के सेवा कार्यों को दिखाया? नहीं दिखाया। अहमदाबाद में भी बच्चों के केस को क्लीन चिट मिल गई, महिला आश्रम में भी महिला आयोग द्वारा क्लीन चिट मिली गई, और इस केस में भी मेडिकल टेस्ट में क्लीन चिट मिली, लेकिन किसी मीडिया ने, किसी न्यूज चैनल ने और किसी अखबार ने आपको आज तक ये सच्चाई बताई? नहीं बताई। क्यों? क्योंकि भारत की मीडिया ही भारत की जनता को गुमराह कर रही है। एक के बाद एक एक आरोप बापू जी पर लगाए जा रहे हैं, जबकि एक भी आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। देखो भैया, एक एक करके अगर एक झूठ को भी 100 बार दिखाया जाए तो वो भी सच लगने लगता है ना? हाँ ये तो है, लेकिन मीडिया में तो। एक मिनट भैया, हम आपको यहाँ मीडिया की सच्चाई बता रहे हैं। देखो अब हम आपको मुख्य कारण बताते हैं बापू जी को फंसाने का। आज बापू जी के पीछे ईसाई धर्मांतरण वालों का हाथ है। भैया आपको पता है कैसे भारत के जो गरीब क्षेत्र हैं, आदिवासी इलाके हैं, वहाँ कैसे हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है? जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के गांव हजारों की संख्या में ईसाई धर्म में परिवर्तित होते जा रहे हैं। लेकिन जब बापू जी ने इसका विरोध किया, इस धर्मांतरण पर रोक लगाई, तो बापू जी को ही इन धर्मांतरण वालों ने निशाना बनाया। दूसरा कारण, बापू जी के सत्संग में आकर लाखों करोड़ों लोगों की बुरी आदतें, व्यसन जैसे पान, मसाला, गुटखा आदि अपने आप छूट जाता है। पेप्सी, कोका कोला, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, जो भी बुरी आदतें हैं ये अपने आप छूट जाती हैं, जिससे इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। और ये कंपनियां इन्हीं करोड़ों रुपए को मिलाकर भारत की मीडिया के साथ मिलकर बापू जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा, और आज बापू जी को इतना बदनाम किया जा रहा है। देखो भैया, एक एक करके हिंदू साधु संतों को कैसे अपमानित किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य पता है आपको? ये ईसाई भारत को फिर से गुलाम बनाना चाह रहे हैं। हमारे हृदय में साधु संतों के प्रति जो भी आस्था है, उस आस्था को मिटाकर ये भारत को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। क्या? हाँ, ये भारत को गुलाम बनाने की एक साजिश है। एहन जी, आपके बातों में तो दम है, आज तक हमें ये बात किसी ने बताई ही नहीं थी। भैया इसीलिए तो मैं आपके लिए ऋषि प्रसाद पत्रिका लाई हूँ, आप इसको पढ़िएगा, औरों को भी पढ़ाइएगा। चलो। बहन जी, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। ये लो 100 रुपए, 100 रुपए की हमें भी दे दो, हम भी सेवा करेंगे। धन्यवाद भैया। ये लो भैया, आप सुप्रचार करना, खुद पढ़ना और औरों को भी बताना। जरूर जरूर, इससे देश के प्रति आपकी एक सेवा हो जाएगी। जी जी। हरिओम भैया। हरिओम। आश्रम आना जरूर। जरूर आएंगे बापू जी के दर्शन करने, औरों में आएंगे। धन्यवाद। तो देखा आपने, ये एक प्रकार के दुकानदार थे, ऐसे लोग भी मिलते हैं संसार में। अब दूसरे तरह के दुकानदार हैं जो मिलेंगे। हरिओम भैया। क्या ये? अरे बाबा जी की ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए किताब, जाओ यहाँ से तुम लोग। भैया तो बोलो। मुझे नहीं बोलना कोई। हरिओम। आए या पता नहीं सुबह सुबह टाइम खराब कर रहे, जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं, लेकिन एक बार हमारे आश्रम में आकर और बापू जी से जुड़ के तो देखिए। जाओ जाओ, तुम्हें किसने एंट्री दी? जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के निकाल देंगे तुम्हें। अरे चलो चलो बहन, ये क्या जाने बिचारे, मीडिया की पट्टी जो लगी। हाँ जाओ यहाँ से। हाँ चश्मा तो उतरा नहीं है। चलो चलो यहाँ से, आगे बढ़े। चलो चलो, चश्मा तो उतरा नहीं है। जाओ जाओ जाओ। देखिए लेकिन एक ना एक दिन एक सच्चाई आपके सामने जरूर आएगी। हाँ मैं सब सच्चाई मुझे पता है। जाओ जाओ यहाँ से, आगे बढ़े। हमने ये देखा दूसरा प्रकार,
जो कि हम चाहते हैं इसको प्रचार करने के लिए तो देखने को मिलता है। इस उदाहरण से ये पता चलता है कि इतना अपमानित किया गया उस साधिका को, फिर वो कितनी समता में थी। तो अगर शिष्य ऐसे हैं तो गुरु कैसे होंगे। तो अजामिल द्वारा भी उन्होंने दो बार हरिओम भी बुलवाया। अजामिल द्वारा उनके बेटे का नाम नारायण रखा गया था, उसने अनजाने में ही नारायण का नाम लिया तो वो तर गया, वो सदगति को प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही उन्होंने दो बार हरिओम भी बुलवाया, वो भी बहुत बड़ा सुप्रचार है कि नहीं है। दो बार उन्होंने हरिओम भी बुलवाया तो भी भगवान नाम तो बुलवाया ना, किसी नुगुरे से अगर भगवान नाम भी हम दो बार बुलवाते हैं, कितना बड़ा सुप्रचार है, हमारी गुरु की सेवा है। तीसरे प्रकार के हैं, वो आएंगे, वो प्रस्तुत करेंगे। तीसरे प्रकार के दुकानदार किसकी है? अरे ले जाओ ले जाओ, बाबा जी को हम नहीं मानते, जाओ जाओ यहाँ से। एक मिनट भैया, ये मीडिया की पट्टी आपकी आंखों पर पड़ी है। मीडिया के द्वारा ही जो झूठ पेश किया गया है वो सच ही प्रतीत हो रहा है आपको, लेकिन एक बार आप सच्चाई जानने की कोशिश तो कीजिए। आपके बाबा जी इतने गवाहों को मरवा चुके हैं, और क्या सच्चाई जाने हम? 11 महीने पहले जिन गवाहों की गवाही हो चुकी थी उनको मरवा के वे क्या करेंगे? गवाही को बड़ा मरवाना ही होता तो गवाह देने के पहले ही मरवाते, बाद में क्यों मरवाएंगे? गौर कीजिएगा, जब जब बेल की अर्जी डाली जाती है तब एक गवाह क्यों मरवाए जाते हैं? कोई भी गुनहगार जेल से निकलना चाहेगा, न कि अपने केस को बिगाड़े। ठीक है, मान लिया आपकी बात, पर बाबा जी के पास बहुत करोड़ों रुपए हैं, कहाँ से आई थी संपत्ति? अच्छा, संपत्ति केवल बाबाओं की ही दिखती है आपको? आज ये नेताओं इन सबकी संपत्ति आपको नहीं दिखती? सरकार द्वारा जब जनता के लिए 100 रुपए पहुँचाने के लिए नेता को दिए जाते हैं तो मात्र 1 रुपए तक रह जाते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव द्वारा 1 रुपए भी यदि सेवा कार्य के लिए दिए जाते हैं तो साधकों द्वारा मिलाते मिलाते वो 100 तक पहुँच जाते हैं। अब आपका क्या कहना है? अब आप देखिए, कहते हैं कि आश्रमों का निर्माण, गौशालाओं का निर्माण आज ये साधकों द्वारा ही किए जाते हैं, ध्यान भजन व सेवा कार्यों के लिए। आज यहाँ जो उत्पादन भी होते हैं उनका भी वो साधक ही उपयोग में लाते हैं, इसके द्वारा ही अन्य सेवा कार्य चलते हैं। अब ये सच्चाई आपको मीडिया पहुँचा कहाँ रही है? आपकी आंखों पे तो पट्टी बंधी है। ठीक है मान लिया बात, पर हम नहीं मान सकते, वो भी लड़की आप भी लड़की, कौन लड़की सच बोल रही है कौन लड़की झूठ, क्या पता? कैसे कह सकते हो, अब एक लड़की ने आरोप लगा दिया तो मीडिया दिन रात झूठ दिखाने में लगी है, और हम इतनी माताएं बहने आपको दर्शन के लिए गुरुदेव के लिए आ रहे वो नहीं दिखती, क्यों? आज ऐसी मीडिया में खास बात क्या है? ठीक है सब सच्चाई मान ली, पर मीडिया इतना कुछ दिखा रही है, इतना सा तो कुछ ना कुछ सच होगा ही, कुछ ना कुछ सच्चाई है, ऐसा बात नहीं है कि मीडिया आए दिन दिखाया जाए। अच्छा ऐसा है, कुछ तो है, चलो ये कुछ तो है, आज किसी के ऊपर भी कुछ तो है, हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आज देखिए ये पॉक्सो संविधान जो आज हम बहनों के ही फेवर में है, यदि कोई भी लड़की आपके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा दे तो आपको भी जेल के अंदर डाल दिया जाए। ऐसे कैसे डाल दिया जाएगा? बिल्कुल बिना कुछ भी पूछे, यही है, आप पता कर लीजिए। आप भी कल से यही कहोगे कि मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो, लेकिन दुनिया क्या कहेगी कि आपने भी कुछ तो किया है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पुरुष सुरक्षा कानून तो अभी तक बना ही नहीं है। एक बात और, आज हम देख रहे हैं कि आज कोई भी बहू अपनी सास पर भी आरोप लगाकर सेक्शन 498 के आधार पर, दहेज निर्मूलन कानून के आधार पर जेल भेज सकती है, उससे भी पूछा न जाएगा कि आखिर गुनाह क्या था। अब आप ही बताइए आप कहाँ तक सुरक्षित हो? बात तो सही है, अच्छा दे दीजिए किताब। चलो देर आए दुरुस्त, आप पढ़िए, पर भैया मात्र 3 रुपए की पुस्तक है। अरे पैसे वैसे ले जाइए, ऐसे कैसे, ये क्या बात होती है, आप 200 रुपए में रिचार्ज करा कर भी सारा दिन झूठ देखने को तत्पर रहते हैं, मात्र 3 रुपए में आप एक सच्ची खबर जानने को तैयार नहीं? ऐसी भी कौन सी आपको गलतफहमी मीडिया ने आपको डाल दी है? आप जानने की कोशिश तो करो, मेन कारण जानो, आज हमारे संतों पर क्यों
क्यों इतना अत्याचार हो रहा है, हमारे देश के साथ क्या हो रहा है, हमारी संस्कृति के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम हिंदुओं को आगे आना चाहिए, संगठित होकर कदम बढ़ाना चाहिए। ठीक है, जानो, दूसरों तक पहुंचाओ, अपने कर्तव्य को निभाओ। मात्र 10 रुपए की ये 4 किताबें हैं, आप पढ़ना और उन तक भी पहुँचाना। अभी तो 3 अब 10, आपके द्वारा भी सेवा हो पाएगी। लेकिन आप आश्रम जरूर आना, मीडिया में बहुत गलत खबरें दिखाई जाती है कि आश्रम बंद कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, सील कर दिया गया है। तो इसलिए आप अगर आश्रम आओगे तो आपको सच्चाई का पता चलेगा। ठीक है भाई जी, पक्का पक्का। अच्छा, मैंने आपकी जेब में गुटखा देखा, आप गुटखा क्यों खाते हो? आप छोड़ दो ना भैया। अरे गुटखा खाने की तो आदत पड़ चुकी है भैया, आप छोड़ दो ना। आपने पहले कहा था कि 2 महीने पहले आप बापू के पास जेल में रह के आए हो। हाँ, रह के तो आए थे, पर बाबा जी, मुझे ये भी पता चला कि बापू ने भी आपको मना किया खाने को। हाँ, पुरानी आदतें धीरे धीरे छूट गई। लेकिन बापू ने कहा तभी तो छोड़ दो, इसलिए तो मेरी नजर चली गई, बापू ने मुझे निमित्त बनाया। छोड़ दो ना भैया। ठीक है बहन जी, आप इतना कहती तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये मेरे लिए गुरु दक्षिणा बापू की तरफ और मेरे लिए रक्षाबंधन था। ठीक है बहन, ठीक है ना? ठीक है, चलो बापू के लिए गुरु दक्षिणा और मेरे लिए रक्षाबंधन का गिफ्ट। आज से तो आप बिल्कुल नहीं खाओगे। बिल्कुल नहीं खाएंगे बहन, पक्का पक्का, प्रॉमिस। हरिओम भैया। हरिओम बहन। हमारे देश में आतंकवादी और हथियारों के लिए तो VIP ट्रीटमेंट है अंदर, और हमारे संतों के लिए उनको कितना सता रहे हैं अंदर में। तो अब हम सब हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा, और धर्मगुरुओं के लिए जो भी धर्मगुरुओं का कुप्रचार हो रहा है, हम संगठित होकर आगे आए। तो एक संकल्प है, सब एक साथ बोलोगे, हमारे साथ बोलोगे, 1.25 करोड़ है संकल्प बापू का, 1.25 करोड़ है संकल्प बापू का, जन जन तक इसे पहुंचाना है, जन जन तक इसे पहुंचाना है, 1.25 करोड़ है संकल्प बापू का, 1.25 करोड़ है संकल्प बापू का, जन जन तक इसे पहुंचाना है, जन जन तक इसे पहुंचाना है, ऋषि प्रसाद द्वारा सुप्रचार करके, ऋषि प्रसाद द्वारा सुप्रचार करके, हमें गुरु भक्ति बढ़ाना है, हमें गुरु भक्ति बढ़ाना है, गुरु ज्ञान पचाना है, गुरु ज्ञान पचाना है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। लेते हैं संकल्प आज हम, लेते हैं संकल्प आज हम, संदेह नहीं है किंचित, संदेह नहीं है किंचित, संदेह नहीं है किंचित, संदेह नहीं है किंचित, ऋषि प्रसाद के दिव्य ज्ञान से, 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 रहे न कोई वंचित, रहे न कोई वंचित। हरि ओम, हरि ओम।